नमस्कार, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो ओटीटी की दुनिया है, एक तरह से अभी खुला आकाश है, कोई बंदिश नहीं है यहाँ। और ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके लिए। वो चाहे तो जिस तरह के सब्जेक्ट चाहे, जिस तरह के प्रयोग करना चाहे और जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहे अपनी सीरीज को, उनको पूरी आज़ादी है इस बात की। और अगर प्रयोग की बात हो तो एकता कपूर का नाम आपके जहन में सबसे पहले आता है। एकता कपूर और उनकी कंपनी अल्ट बालाजी ने कई बेहतरीन सीरीज बनाई हैं और कई बोल्ड सीरीज भी उन्होंने बनाई है। अब इस तरह से एक और बोल्ड सब्जेक्ट पर वो सीरीज बना रही है और इस सीरीज का जो थीम है वो एक लेस्बियन रिलेशनशिप पर आधारित है। ये सीरीज का नाम है ए मैरिड वुमेन और यह एक किताब पर आधारित है। इस किताब की लेखिका है मंजू कपूर और किताब का टाइटल भी यही है, ए मैरिड वुमेन। एकता कपूर ने और अल्ट बालाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस वीडियो में आप देखते हैं कि यहाँ चर्चा शुरू होती है एक विवाद के अंत होने की, एक ऐसा विवाद जो हमारे देश में बहुत ही चर्चित रहा था और कई सालों बाद उसका हल अभी पिछले ही साल हुआ है। ये विवाद था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद। और फिर बताया जाता है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, उस समय जब देश में पॉलिटिकल अनरेस्ट था, हिंसा का माहौल था, अविश्वास था, एक प्रेम कहानी पनप रही थी, एक प्रेम कहानी जो कि थोड़ी अलग ही थी। और इस वीडियो में फिर आपको गुलजार की आवाज़ में एक पोएट्री सुनाई देती है, एक बेहतरीन सॉन्ग का छोटा सा टुकड़ा सुनाई देता है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि अभी जो ये आने वाला पैकेज है ये बड़ा ही दमदार और खूबसूरत होने वाला है। वैसे बात करें तो यहाँ आपको दो चेहरे दिखाई देते हैं, हालांकि ये दोनों ही लीड रोल में होंगे। एक का नाम है रिधि डोगरा और दूसरे का नाम है मोनिका डोगरा। तो ये दोनों कलाकार यहाँ लीड रोल में आपको दिखाई देंगे। बात करें ए मैरिड वुमेन की, तो ए मैरिड वुमेन जो किताब है वो एक महिला की कहानी कहती है। महिला का नाम है आस्था, जो कि दिल्ली में रहती है और एक नॉर्मल लाइफ है उसकी, जिस तरह की लाइफ एक नॉर्मल लेडी की होती है। पति हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। उसे लगता है कि जो प्यार उसे मिलना चाहिए, जो रूहानी प्यार उसे मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। और इस प्यार की तलाश वो करती है, इस प्यार की तलाश उनकी ख़त्म होती है एक दूसरी लेडी के साथ और वो लेडी उम्र में उनसे थोड़ी छोटी होती है। तो इस तरह की स्टोरी लाइन तो नॉवेल में है, लेकिन हमने यहाँ देखा कि इस स्टोरी लाइन के साथ बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद है उसके बैकड्रॉप इस्तेमाल किया गया। तो हो सकता है कि जो आने वाला सीरीज है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो। वैसे एकता कपूर के सीरीज काफ़ी सेंटिमेंटल भी रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन भी रहे हैं और अल्ट बालाजी की कुछ सीरीज काफ़ी बोल्ड भी रही हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीरीज क्या दोनों को बैलेंस लेकर के चलती है या फिर कुछ अलग ही कहानी कहती है। हालांकि ये सीरीज कब रिलीज होगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इंतजार मुझे भी है, आपको भी है। तब तक आप देखिए मेरे वीडियोज़ और मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यदि अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।